नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली, जैसे कि पोषण ट्रैकर में हम लोग देखे हैं कि 10.0 तक ये वर्जन आ चुकी है, यानी कि पोषण ट्रैकर में। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, यानी कि हम लोग जो माइग्रेट जो करेंगे, यानी कि प्रेग्नेंट वोमेन, यानी कि गर्भवती महिला से हम लोग स्तनपान कराने वाली माता में भेजेंगे, इसके बारे में हम लोग खास जानकारी देंगे। जैसे कि हम माय नोटिफिकेशन देखे थे, तो माय नोटिफिकेशन में हम लोग क्या देखे थे, कि जैसे कि यहाँ पे प्रेग्नेंट वोमेन है, प्रेग्नेंट वोमेन से जैसे ही हम लैक्टेटिंग मदर में भेजते थे तो माय नोटिफिकेशन में आप लोग को शो कर रहा था। तो इसी में हम लोग देखे थे कि माइग्रेट करते समय आप लोग को बहुत सारे के सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग को ध्यान से देखना होगा कि हम लोग कैसे हम माइग्रेट करेंगे और इसका जो माइग्रेट करेंगे ये नोटिफिकेशन कैसे शो करेगा, यानी कि हम लोग नोटिफिकेशन भी देखेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पोषण ट्रैकर को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से पेज खुल के आएगी, और आने के बाद आप लोग देखेंगे कि पोषण ट्रैकर में हम लोग आज माइग्रेट करेंगे, यानी कि गर्भवती महिला को हम लोग स्तनपान कराने वाली माता में हम लोग ले जाएंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे होंगे कि बेनिफिशरी, यहाँ पे आप लोग को बेनिफिशरी दिख रहा है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह से आप लोग को बेनिफिशरी में सबसे पहले तो आप लोग दिख रहे होंगे प्रेग्नेंट वोमेन, यानी कि आप लोग को जब तक नहीं इसको ट्रांसफर करेंगे लैक्टेटिंग मदर में, यानी स्तनपान कराने वाली माता में, तब तक आप लोग को ट्रांसफर होगी नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग इनको माइग्रेट कर लेंगे। अगर इनको कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप लोग को लैक्टेटिंग मदर से आप लोग को यहाँ पे जो जीरो मंथ से सिक्स मंथ वाले में बच्चे होंगे वो डायरेक्ट आप लोग को छः मंथ से थ्री ईयर वाले में ऑटोमेटिक आप लोग को ट्रांसफर होते जाएगी। जब जब मंथ इनका पूरता जाएगा तो आप लोग को ट्रांसफर होते जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोग को क्या करना होगा कि इनका ना माइग्रेट करना ही होगा, यानी कि आप लोग को ट्रांसफर यानी कि मूव करना ही होगा। तो चले दिखाते हैं आप लोग को आगे बढ़ के। तो प्रेग्नेंट वोमेन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, यानी कि माइग्रेट करते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक किए प्रेग्नेंट वोमेन पे, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अनिता देवी के नाम से यहाँ पे गर्भवती का महीना 9 मंथ पूर गया है। तो सबसे पहले इनका क्या करना है कि इनका बच्चा का नाम आप लोग को ले लेना है, और बच्चा का जन्म कब हुआ था और क्या जन्म लिया था, मेल या फीमेल, यानी कि लड़का या लड़की। तो सबसे पहले ये लोग आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो थ्री डॉट जो दिख रहा होगा यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, यानी कि आप लोग जो माइग्रेट करेंगे यानी कि भेजेंगे सो स्तनपान कराने वाले में चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे डिलीवरी की तारीख दिया जा रहा है, यानी कि जब ये बच्चा जो डिलीवरी हुआ था इसका डेट आप लोग को डाल लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि ये बच्चा जन्म लिया था वो 10/21/2021 को यहाँ पे जन्म लिया था। तो लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे विस्थापित, तो आप सबसे पहले आप लोग विस्थापित पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, यहाँ से आप लोग वापस भी हो सकते हैं कैंसिल करके, लेकिन आप लोग को कैंसिल करना नहीं है, आप लोग को ठीक पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। क्लिक करेंगे, जैसे ही ठीक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से लाभार्थी को यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगी, और साथ में पंजीकृत यहाँ पे बच्चा का भी करना है, यहाँ पे आप लोग को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपने देखा कि माइग्रेट वाले तो आपने ट्रांसफर कर लिए, यानी कि माइग्रेट कर दिए, लेकिन आप लोग को सबसे पहले यानी कि हम क्या बोले थे कि बच्चा का भी आप लोग को डिटेल्स डाल के रखनी है, यानी कि जैसे कि बच्चा का हमने माइग्रेट किया लड़का या लड़की, तो इस तरह से आप लोग को उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले वो बच्चा का नाम आप लोग को लिख के रखना होगा, जैसे कि ये बच्चा का नाम जो है वो इस तरह से हम लोग राजवीर कुमार, इस तरह से हमने इस बच्चा का नाम लिख लिया था। और इनका आधार कार्ड नहीं है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो स्वास्थ्य आईडी नहीं है, और यहाँ पे जैसे कि जन्म की तारीख हमने यहाँ पे माइग्रेट करते समय डाला था वो दिख रहा होगा। सिर्फ आप लोग को लिंक करना है सेलेक्ट, यानी कि लड़का है या लड़की, तो यहाँ पे लड़का है तो इसलिए हमने मेल कर दिया। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे इनका पिताजी का नाम, यानी कि अभी हमने जो ट्रांसफर किया उनका पिताजी का नाम और माताजी का नाम डालना है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे इनका पिताजी का नाम डाल लेते हैं।
जैसे ही डालेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है माता जी का नाम, यानी कि आप लोग को इनका माता जी का नाम यहाँ पे डाल लेनी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं इनका माता जी का नाम, तो इस तरह से हमने इनका माता जी का नाम डाल लिए। और उसके बाद आप लोग को नीचे में दिया जा रहा है मोबाइल नंबर, यानी कि ये जो मोबाइल नंबर है या फादर या मदर किसी का भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपको सहूलियत हो। तो इस तरह से हमने इनका मोबाइल नंबर डाल लिए। और डालने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा होगा बच्चे के जन्म समय का वजन, यानी कि जो बच्चा जन्म लिया था उस समय का आप लोग का वजन कितना था, तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से देंगे। और यहाँ पे इनका जो हाइट है यानी कि सेंटीमीटर में किसका देना है, ओनली फॉर बच्चा, यानी कि हम लोग यहाँ बच्चा का डिटेल्स ही डाल रहे हैं। तो आप लोग चिल्ड्रेन का ही आप लोग डिटेल्स डालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं इनका 32 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सबमिट मार देते हैं। तो जैसे ही हम लोग सबमिट मारेंगे तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर जो हमने दिया है उन पर OTP भेज दी गई है। और ये 4 अंकों का होता है और ये 5 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग देता है। तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आपको आसानी से करनी है और इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे और आसानी से कर पाएंगे। और ये यहाँ पे जो OTP है ये 5 मिनट का दिया गया है, और यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे कि लास्ट में वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए हम इसको सबसे पहले, तो आइए हम लोग OTP देख लेते हैं। जैसे कि हम इसी फ़ोन में हमने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं नंबर, क्योंकि मेरे पास था ही। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे OTP आप लोग को दिख रहा होगा 8627 इस तरह से। अगर आप लोग मैसेज द्वारा देखेंगे तो आप लोग को इस तरह से मैसेज रहेगी, आप जो भी लाभार्थी का मोबाइल आप लेंगे तो आप लोग को इसी तरह से मैसेज रहेगी। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से मिलेगी, और यहाँ पे जो आप लोग को लिखा रहेगा वेरिफिकेशन रिमाइंडर, यानी कि आप लोग को वेरिफिकेशन रिमाइंडर लिखा रहेगा, और यहाँ पे OTP और मैसेज इस तरह से आप लोग को लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग को समझ जानी है कि आप लोग के लिए ICDS से ही आप लोग को यहाँ पे पोषण ट्रैकर का ही आप लोग का यहाँ पे OTP है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे 96 और 27 आप लोग जैसे डालेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर फिर से हम क्लिक किए इस तरह से डालें, और डालने के बाद हम लोग वेरीफाई कर देते हैं। हम जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड है ना ये सक्सेसफुली हो गया और ये कम्प्लीटेड यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, यानी कि आप लोग को गर्भवती महिला से कहाँ चल गई, स्तनपान कराने वाले यानी कि लैक्टेटिंग मदर में। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर में भी आप लोग को शो करेगा और बच्चे में। अगर आप लोग को बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे स्तनपान वाला में ही रह जाता है, सिर्फ आपको बच्चा फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमने अनीता देवी को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ पे 0 महीना से 6 महीना वाले बच्चे, इसमें भी हम लोग देखते हैं राजवीर को। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है जो 0 मंथ यानी कि अभी अभी हमने ट्रांसफ़र किया है। और यहाँ पे हम जैसे स्लाइड करके दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 20/11/2021 8:48 पे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफ़र करनी है। तो आप लोग इसी तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कतें होती होगी तो आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे आंगनवाड़ी हेल्पलाइन पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।